खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। बीरभूम के कई इलाकों से पुलिस ने जिंदा बम किए बरामद। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है। योगी सरकार ने वाणिज्य व कर अधिकारियों के 317 अधिकारियों के किए तबादले। यूपी के बुलंदशहर में बेखौफ बदमाश न्यू शिवपुरी इलाके में घर में घुसकर की लूटपाट। विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की चाकू से गोद कर की हत्या। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश फिरोज को गिरफ्तार किया। बदमाश का साथी फरार। गढ़चिरौली नक्सली हमले की जांच करेगी एनआईए। एनसीपी नेता कैलाश रामचंदानी ने विस्फोटक उपलब्ध कराने की बात कबूली। मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। असम में अंधविश्वास का खौफनाक मामला सामने आया है। उदलगुरी में परिवार ने 3 साल के मासूम की बलि देने की कोशिश की। पुलिस ने बचाई मासूम की जान। मणिपुर में सेना की बड़ी कार्रवाई। उग्रवादी संगठन NSCN के वसूली कैंप पर की कार्रवाई। सेना के एक कैडर को किया गिरफ्तार। गांव में वसूली के लिए लगाया था कैंप। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री की पत्नी की लूट का विरोध करने पर गोली मारकर हत्या। पत्नी के परिजनों ने बीजेपी नेता पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज के लिए हत्या का आरोप। पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 6 लोगों पर किया केस दर्ज। हिंदू नदी के किनारे मिली कोमल चौधरी नाम की युवती की स्कॉर्पियो कार। सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के बाराखंबा इलाके से गायब हुई थी। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में 7 साल की मासूम से रेप के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किया। सीरियल रेपिस्ट है आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने ट्रेन में सफर कर रहे उत्तराखंड के युवकों को लूटने के बाद ट्रेन से फेंका। अस्पताल में भर्ती। यूपी के टावा में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 2 कैदी फरार। भागते वक्त एक की ट्रेन से कटकर मौत। दूसरे का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली के न्यू मोतीबाग में IAS अधिकारियों के घर में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। एक ही परिवार की 2 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। दिल्ली से सटे नोएडा में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन अभियान। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, फिर शपथ पत्र लेकर छोड़ा गया। यूपी के बुलंदशहर में शराब पीने के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट। महिलाओं समेत 6 लोग जख्मी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने ट्रेन में सफर कर रहे उत्तराखंड के युवकों को लूटने के बाद ट्रेन से फेंका। अस्पताल में भर्ती। यूपी के अलीगढ़ में सांसद कार्यालय में एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में भर्ती। मारपीट कांड में सुनवाई नहीं होने से परेशान था पीड़ित। यूपी के गोंडा में संदिग्ध बैग छूने पर धमाका। 3 छात्राएं जख्मी। अस्पताल में चल रहा छात्राओं का इलाज। SP ने वारदात की जगह का दौरा किया। हरियाणा में बेखौफ बदमाश करनाल में मशहूर डॉक्टर राजीव गुप्ता की गोली मारकर हत्या। 3 बदमाशों ने सरेआम मारी गोलियां। CM मनोहर लाल खट्टर ने परिवार को दी सांत्वना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुराने कर्मचारी ने की थी हत्या। यूपी में शराब माफियाओं पर सख्ती पर प्रशासन। प्रयागराज में पुलिस ने की छापेमारी। अवैध शराब का जखीरा बरामद। यूपी के मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में जिला पंचायत उपचुनाव में उम्मीदवार पर प्रधान पुत्र की हत्या का आरोप। घटना के बाद जमकर हंगामा। तेलंगाना के निजामाबाद में संदिग्ध हालत में 3 नाबालिग बच्चों के शव मिले। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरण किए डॉक्टर को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। 4 आरोपी गिरफ्तार। गर्मी के बाद अब बारिश से बेहाल हुआ गुजरात। भारी बारिश से दक्षिण गुजरात का बुरा हाल। दमन गंगा नदी उफान पर। वलसाड के ऊपर बने मधुबन डैम से दमन गंगा नदी में 15,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके चलते नदी में बाढ़।
बारिश के बाद गुजरात के वलसाड़ का बुरा हाल, सड़क मकान दुकान सब कुछ पानी पानी। कल रात से हो रही है भारी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वापी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, शहर में पानी निकासी के इंतजाम न होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत। नगर पालिका की बद इंतजामी की खुली पोल, वापी वलसाड़ को जोड़ने वाले हाईवे पर पानी पानी, सड़क के दोनों तरफ फंसे हैं सैकड़ों वाहन। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर एहतियात के तौर पर किनारे के 250 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह भेजा गया, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। मानसून पूरे देश में बरस रहा है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन ठप, सीहोर में भारी बारिश से नर्मदा उफान पर। एमपी के विदिशा में बारिश के बाद से 2.5 फीट तक पानी भरा, रेलवे स्टेशन से लेकर लोगों के घरों तक में पानी घुसा, लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जोरदार बारिश, कार बाढ़ के पानी में बही, कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई। हरियाणा के पंचकुला में बारिश के बाद घग्गर नदी में बाढ़, बाढ़ के पानी में बही कार, जान जोखिम में डालकर युवकों ने निकाली गाड़ी। एमपी के होशंगाबाद में तेज बारिश का कहर, इटारसी में बारिश से जलमग्न हुआ पुलिस स्टेशन, अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश से सड़कें बनी तालाब, प्रशासन हालत से निपटने में नाकाम, लोग परेशान।